दिमाग का प्रयोग करने के आधार पर इस दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं, यानी चार तरीके से लोग अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं जो अलग अलग तरीके से करते हैं, जिनमें से दो प्रकार के लोग कामयाब हो जाते हैं और दो प्रकार के लोग पूरी जिंदगी गरीबी, बेरोजगारी या फिर तन्हाई या गुस्सा, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो आज की जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ये जानकारी हमें 9th क्लास में हमारे अध्यापक जी द्वारा दी गई थी, यानी हमारे जो क्लास टीचर थे उन्होंने सुबह सुबह प्रार्थना के समय में ये जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में दिमाग का प्रयोग करने के आधार पर चार प्रकार के लोग होते हैं, यानी लोग चार तरीके से अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। उनमें से जो चौथे नंबर के लोग होते हैं वो हमेशा कामयाब, सफल और अमीर बनते हैं। तो यही हम जानेंगे कि वो लोग कैसे अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, और जो पहले नंबर के लोग हैं वो कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो क्यों नहीं हो पाते हैं। तो उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आप अपने दिमाग का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। मेरा नाम है SP सिंह और आप देख रहे हैं SPL लाइव लर्निंग। तो चार तरह के लोग कौन कौन से होते हैं, जिनमें नंबर एक यानी पहले नंबर के लोग होते हैं जो नहीं जानते कि वे नहीं जानते कि वे नहीं जानते। जी हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आया हो, दोबारा से बता देता हूँ। पहले नंबर के जो लोग होते हैं वो होते हैं जो नहीं जानते कि वे नहीं जानते कि वे नहीं जानते, यानी ऐसे लोग जिन्हें हम मूर्ख या गवार बोल सकते हैं, या फिर कहें तो एक नंबर के पागल, यानी उन्हें कोई भी काम आता नहीं है। पहला स्टेप कि वो नहीं जानते, यानी उन्हें कुछ भी करना धरना आता नहीं है। इसी में दूसरा स्टेप था कि वे नहीं जानते कि वे नहीं जानते, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कुछ करना धरना जानते नहीं हैं। समझ गए, यानी अपनी बातों के आगे वो किसी की बात चलने ही नहीं देंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये काम ऐसे होगा तो वैसे ही होगा, चाहे कितना भी टैलेंटेड आदमी आके उनसे कहे कि भाई ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कीजिए तो होगा, लेकिन वो अपने सामने किसी की लगने ही नहीं देगा। उन्हीं को बोलते हैं जो नहीं जानते कि वे नहीं जानते कि वे नहीं जानते, यानी एक तो वो कुछ जानते नहीं हैं और उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो कुछ जानते नहीं हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं मूर्ख या गवार। दूसरे नंबर के लोग होते हैं जो नहीं जानते कि वे जानते हैं कि वे नहीं जानते। इसमें एक शब्द चेंज हुआ है कि वे नहीं जानते कि वे जानते हैं कि वे नहीं जानते। ऐसे लोगों को बोलते हैं अज्ञानी, इन्हें ज्ञान की ज़रूरत है, वो कुछ उन्हें करना धरना नहीं आता है, लेकिन उनको ये बात पता होती है कि हमें ये काम आता नहीं है, अगर उनको सिखाया जाए वो काम तो वो उस काम को कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं अज्ञानी या स्टूडेंट। मान लो वो हम जब कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और ज्ञान किस लिए हम प्राप्त करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में उन कामों को कर पाएं जिन्हें अभी हम करना नहीं जानते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को ये पता है कि मुझे ये काम करना नहीं आता है, तो वो दूसरे लोगों से उसकी जानकारी लेके उस काम को कर सकता है। तो ऐसे लोग होते हैं अज्ञानी, जिन्हें अगर कुछ काम सिखाया जाए या उनको बोला जाए कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, तो वो लोग उस काम को करके सीख लेते हैं और फिर उस काम को कर लेते हैं। तीसरे नंबर के लोग होते हैं जो जानते हैं कि वे नहीं जानते कि वे जानते हैं, यानी जो जानते हैं, यानी उनको हर काम करना आता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो ये काम कर सकते हैं। समझ गए, यानी जो जानते हैं कि वे नहीं जानते कि वे जानते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें हर काम करना आता है, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं वो काम उन्हें करना आता है, वो उस काम को कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं है कि वो इस काम को कर भी सकते हैं। जैसे हमारे साथ लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इस काम को कर सकते हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊँगा। जैसे हम बोलते हैं कि आप हमारी तरह वीडियो बना बना के भेजते रहिए, उससे क्या होगा, आपकी वीडियो चलेंगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जब आपकी वीडियो ज़्यादा चलेंगी तो आपके जो अर्निंग है वो भी हर महीने ज़्यादा होगी, और हर आदमी वीडियो बना सकता है,
बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे वीडियो बनाने में शर्म आती है। तो वीडियो बनाना कोई गलत काम थोड़ी है जो आपको शर्म आएगी। आप किसी की लड़की को नहीं छेड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने घर से मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, पेट का सवाल है इसीलिए काम कर रहे हैं। वरना काम करने का शौक किसको है? अगर लोगों को पैसे की जरूरत ना हो तो कोई काम क्यों करेगा? फिर तो आराम से राजा महाराजाओं की जिंदगी जिएगा। तो ऐसे लोग हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं जो तीसरे नंबर के हैं, जो जानते हैं सब कुछ कि वो वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो देख भी सकते हैं, ब्लॉग लिख भी सकते हैं और ब्लॉग पढ़ भी सकते हैं और इन्हीं चारों कामों से वो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो इस काम को कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में हमारे जो हनुमान जी हैं वो भी थे। वो नहीं जानते थे कि वो इस लंका को पार कर सकते हैं। जब भगवान श्री राम ने उन्हें आदेश दिया सीता मैया की खोज के लिए, तो उन्हें बताया गया कि समुद्र के पार आपको जाना है। लेकिन हनुमान जी को ये पता नहीं था कि वो इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो जामत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप पवन पुत्र हैं और आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं और आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो जब हनुमान जी को याद आ गया कि हाँ भाई मैं तो इस काम को कर सकता हूँ, तब जाके वो लंका में गए थे। अन्यथा वहाँ पर कोई लंका जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ऐसे सबसे ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में जिनको काम करना तो आता है लेकिन उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि वो इस काम को कर भी सकते हैं या नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अगर इन्हें मोटिवेट कर दिया जाए, इनको इनकी कामयाबी याद दिला दी जाए कि ये भी इंसान हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोगों को बार बार बताने के बाद भी वो इस काम को नहीं करते हैं कि उन्हें कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति मुझसे बोला, सर मैं अपनी वीडियो में शकल नहीं दिखा सकता। अब कोई व्यक्ति शकल किसी को क्यों नहीं दिखाना चाहेगा? या तो वो कोई चोर लुटेरा होगा, बदमाश होगा, वो अपनी शकल किसी को नहीं दिखाएगा जिससे कि उसे पुलिस वगैरह या कोई अधिकारी ना पहचान ले, क्योंकि इंटरनेट पर तो पूरी दुनिया देखती है, कोई भी कहीं से भी पहचान लेगा। या फिर किसी ने कहीं अपना मुंह काला करा लिया हो, वो अपनी शकल नहीं दिखाना चाहेगा दुनिया में। बाकी अगर कोई अच्छा इंसान है, उसे शकल दिखाने में किस चीज़ का डर है? कोई टेंशन नहीं है, वो तो किसी को भी शकल दिखाए, कुछ भी करे। तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। कामयाब होना है तो जो हमारी झिझक है, शर्म है, हमें लोगों के सामने बात करने की जो हमारी आदत है जिसमें हम झिझकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तब तक आप अपने मुंह से अच्छा उच्चारण करना नहीं सीखेंगे, लोगों से बात करना नहीं सीखेंगे, कैमरा को फेस करना नहीं सीखेंगे। अभी मेरे सामने भी कैमरा लगा हुआ है, उसी में तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरे सामने मैं ही दिख रहा हूँ, तो मैं अपनी ही आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपकी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है? ये खुद के सामने खुद से ही बात करना है। हम जो कर रहे हैं वो खुद के सामने खुद से ही बात कर रहे हैं। ये मेरा रूम है और रूम के अंदर ही मैं बैठ के मैंने अपने सामने मोबाइल लगा रखा है, बस इतना सा काम है और इसी से लोग वीडियो देखते रहेंगे, इनकम होती रहेगी। यही चीज़ हम अपने साथ जुड़े सभी लोगों से कहते हैं। आप भी इस चैनल के साथ काम कर सकते हैं, आप भी अपनी वीडियो बना बना के डालिए और आपकी वीडियो भी लोग देखेंगे। हर व्यक्ति की वीडियो देखेगा तो हर व्यक्ति की इनकम भी अच्छी होगी। ये चैनल समाजसेवी संस्था का है तो इस चैनल के साथ कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए काम के पैसे ले सकता है। उसके लिए सिंपल सा काम है, splcash.com और splstudy.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें splcash के द्वारा वीडियो बनाकर, ब्लॉग लिखकर या आपकी वीडियो को देखकर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो उन सब चीज़ों से आपको पैसा मिलता है। और splstudy में आप वीडियो देखते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं या कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो उससे भी आपको पैसा मिलता है। और अगर आप रोज़ाना अपने मोबाइल से इस तरीके की वीडियो बना बना के भेज सकते हैं 5-10 मिनट का और रेगुलर ये काम करते हैं, तो उससे आपको महीने की अच्छी इनकम हो जाएगी, ये गारंटी है। और आप हमारे साथ इसलिए मत जुड़िए कि आप यहीं से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप केवल इसलिए जुड़िए जिससे आप ऑनलाइन काम करना सीख जाएं। जब आप ऑनलाइन एक बार काम करना सीख जाएंगे तो फिर ना तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ना इस संस्था की और ना इस चैनल की।
फिर तो आप कहीं भी अपना खुद का काम करके भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही खुद का काम करेंगे तो एक तो कोई आपको आपकी कमी बताने वाला नहीं होगा, महीने दो महीने तीन महीने तक आपको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आप अपना काम बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले काम करेंगे, यहाँ पर पूरा टीम आपका सपोर्ट करता है, जिससे आपको कामयाब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं और अपने जीवन में आप जल्दी कामयाब हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं चौथे प्रकार के लोग। चौथे प्रकार के लोग उन्हें बोलते हैं जो जानते हैं कि वे जानते हैं कि वे जानते हैं, यानी कि ये पूरे ज्ञाता होते हैं। इनको ये भी पता है कि ये काम हमें करना आता है और उनको ये भी पता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, यानी ऐसे लोगों को किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लोग हर काम अपनी इच्छा से करते हैं, जबकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो अमीर नहीं हैं, गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं, ऐसे लोगों की एक मानसिकता होती है कि ये अपना काम खुद से नहीं करते हैं, यानी इनको पता है कि मुझे ये काम करने से लाभ होगा, फिर भी ऐसे लोग उस काम को खुद से नहीं करेंगे, इनको एक व्यक्ति बताने वाला चाहिए। जैसे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सभी को अपने 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 घर से काम करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी ऑफिस में जाके काम करना है जहाँ पर आपका सीनियर आपको बोलेगा कि भाई चलो वीडियो बनाओ, चलो ब्लॉग लिखो, चलो वीडियो देखो, चलो ब्लॉग पढ़ो। तो ऐसा कोई सीनियर तो आपके ऊपर होता नहीं है जो आपको डांट के फटकार के आपसे काम करवा लेगा। यहाँ पर तो आपको स्वयं ही ये सोचना होगा कि मुझे रोज़ाना इतने वीडियो बनाने हैं, रोज़ाना मुझे इतने वीडियो देखने हैं, रोज़ाना मुझे इतने ब्लॉग पोस्ट पढ़नी है और इतनी ब्लॉग पोस्ट मुझे लिखनी है, रोज़ाना मुझे अपनी टीम में इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो जब तक आप अपना काम स्वयं से करना नहीं सीखेंगे तब तक इस जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये दुनिया एक जंग है और हमें रोज़ाना जंग जीतने की कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी कोई आसान काम है, इस ज़िंदगी में बहुत ही उल्टे सीधे मोड़ आते हैं, आदमी कभी ऊपर चढ़ जाता है तो कभी नीचे भी गिर जाता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो हर स्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ता जाता है। आपको यहाँ पर आपका सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, जबकि आपको नीचे गिराने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो उन सब लोगों से भी बचना होता है। हमारे बारे में भी बहुत लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गलत बात करते हैं, बहुत लोग हमें कामयाब करने के लिए हमारा सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग हमें नीचे गिराने के लिए हमारी टांग खींचते हैं। तो इन सारे चीज़ों को बैलेंस बना के रखना होता है और जो गलत लोग हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना होता। कोई हमें गाली दे, कुछ भी कहे, कमेंट में न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं, तो बोलते रहेंगे, वो अपने जीवन में और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो खुद तो कुछ कभी करता नहीं है और दूसरों को भी न करने की सलाह देता है। ये ध्यान रखिएगा, वो ना तो कभी ऊपर उठेगा और न किसी को ऊपर उठा सकता है। आपने एक और बात सुनी होगी, एक बार क्या हुआ, एक हमारे पास में एक डेयरी है, एक बनिया की डेयरी है, दूध की डेयरी जहाँ दूध का काम होता है, उस पर 7 लोग हैं जो काम करते हैं और वो पिछले 17 साल से 7 लोग लगातार काम कर रहे हैं, यानी 2003 या 4 में वो डेयरी ओपन हुआ था, उस समय पर 7-8 जवान लड़कों को उसमें डेयरी में लगाया गया था और आज उनकी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है, 40-45 साल, और रेगुलर उसमें वो काम कर रहे हैं। काम तो उस डेयरी में और भी लोग करते हैं, लेकिन उन्हीं 7 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, वो सभी 7 लोग एक ग्रुप में बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, तभी कोई व्यक्ति उनसे पूछता है कि भाई तुम्हारा सिर तो बहुत पैसे वाला है। तो उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा है कि ससुर पैसे वाला बन गया हमारी वजह से, यानी हमने 17 साल इसको कमा कमा के दिया है तब ये पैसे वाला बना है, वरना ये कहीं पैसे वाला नहीं बनता। अब सोचिए आप, यानी उन 7 लोगों ने उसे पैसे वाला बना दिया क्योंकि वो लोग उसके यहाँ काम करते हैं। क्या वो खुद को पैसे वाला नहीं बना सकते थे? यानी किसी बनिया को पैसे वाला बनाया उन्होंने, अगर उनके अंदर इतना ही टैलेंट था तो वो खुद को भी तो पैसे वाला बना सकते थे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एहसान फरामोश, यानी एक तो उस बनिया ने उन्हें नौकरी दी, बाकी लोगों से ज़्यादा उन्हें सैलरी देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से बनिया पैसे वाला बन गया है, तो
तो आप सात लोग खुद को भी तो पैसे वाला बना सकते हो। जब आप बनिया को पैसे वाला बना सकते हो तो उसी टैलेंट का प्रयोग करके खुद को बना लो। तो ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति कामयाब होता है वो अपने दम पर होता है। दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको अमीर नहीं बना सकता है। जो भी आपका काम करने का तरीका होगा, जिस तरीके से आप काम करेंगे, उसी तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपने ही दम पर अमीर बनेंगे। अगर हम किसी से ये बोलें कि हमने बहुत लोगों को पैसे कमाने में उन्हें मदद की है, या उनके YouTube चैनल खुलवाए हैं, या उनके वेबसाइटें बनवाई हैं, या उन्हें हमने नई नई जानकारियाँ दी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। जो व्यक्ति हमसे सीखा है उसने खुद मेहनत की है। वो रेगुलर हमारी वीडियो देखता है, रेगुलर हमारे बताए हुए काम करता है, तब जाकर वो कामयाब हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी वजह से कामयाब हो गया। हम उसे जानकारी नहीं देते, वो कहीं और से जानकारी ले लेता। लेकिन हमने जो लोगों को जानकारी दी है वो इसीलिए दी है जिससे हम भी कामयाब हो जाएं। तो हर व्यक्ति केवल अपने लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी के लिए काम नहीं करता है। तो आप एक तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें कि कोई और व्यक्ति आपको कामयाब बना सकता है। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपको खुद ही काम करना होगा और अपने काम को रोजाना ईमानदारी से सेल्फ करना होगा। यानी किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई व्यक्ति आकर मुझे बताएगा कि भाई क्या काम करना है। हम पिछले 6 साल से इस चैनल के साथ काम कर रहे हैं और हमें कब वीडियो बनानी है, क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें हम खुद ही करते हैं। हमें कोई कहीं बताने वाला नहीं है कि हमें क्या काम करना है। बहुत से लोगों को हम रोज़ाना बताते हैं, रोज़ाना हमसे लोग पूछते हैं, और मुझे सबसे बड़ी गुस्सा इसी बात पर आती है। जब आपको पता है कि आपको वीडियो बनाना है तो बनाओ, किस टॉपिक पर बनाना है ये सोचना भी आपका काम है। यूट्यूब पर तो हर प्रकार की वीडियो चलती है। आप जो भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, आपको लगता है कि जनता इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करती है, वही बनाओ। जब जनता को आपकी चीज़ें पसंद आएंगी तो आपकी वीडियो ज़्यादा चलेगी। जब आपकी वीडियो ज़्यादा चलेगी तो जाहिर सी बात है उससे कमाई भी ज़्यादा होगी। तो प्लेटफॉर्म तो ये एक ही है, इसी पर आपको काम करना है, इसी पर हम काम करते हैं। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी इनकम होती है। इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई भी 30 मार्खा नहीं है। अगर आप ठान लेंगे कि आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस व्यक्ति को कामयाब नहीं होना होता है उसके पास इतने बहाने होते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। और वो लोग समझते हैं कि मैं किसी को बोलूँगा कि भाई मेरी तो किस्मत ख़राब है तो सामने वाला मुझे सांत्वना देगा या मुझे धन देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहें तो खुद से ये कह लो कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं इंसान का जन्म इस बार लिया हूँ। 84 लाख योनि पार करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है और इस इंसान के जन्म में मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। या फिर आप झूठे दिलासा खुद को देते रहो कि भाई मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। तो इस तरीके के हजारों बहाने आप काम न करने के कोई भी बहाने बना के खुद को संतुष्ट कर सकते हैं और लोगों के सामने रो सकते हैं कि भैया मैं तो इसीलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो इसीलिए काम नहीं कर पाता हूँ ऑनलाइन क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो इसीलिए ऑनलाइन काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं करने देती, मैं तो इसीलिए काम नहीं कर पाता हूँ ऑनलाइन क्योंकि लोगों को मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, मैं चोर लुटेरा बदमाश हूँ या मैंने अपना मुँह काला करा रखा है। तो कोई भी बहाना आप बना सकते हो, ये आपकी ज़िंदगी है, आपका फैसला है। हम तो सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं। अगर हमारी जानकारी अच्छी आपको लगती है तो उसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कामयाब होना ना होना दोनों ही चीज़ें आपके ऊपर हैं। आप जैसा काम करेंगे उसी तरीके का परिणाम आपको मिलेगा। गीता में एक श्लोक लिखा है जो पूरी जिंदगी की कहानी हमें बता देता है, कर्मणे बाद कारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा, वैसा ही हम उसका फल भोगेंगे। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो गरीब इसीलिए है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं जिससे वो गरीब रहे। कोई व्यक्ति अमीर है तो वो इसीलिए अमीर है जिससे उसके कर्म अमीरों जैसे हैं, यानी वो ऐसे काम करता है जिससे वो अमीर बने। ये ज़रूरी नहीं है कामयाब होने के लिए आप पढ़े लिखे हों या आपके पास पैसा हो।
स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो जीरो से हीरो आप बन सकते हैं। और अगर आप अपने काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपके माँ बाप कितनी भी दौलत आपके लिए छोड़ के चले जाएं, फिर भी आप हीरो से जीरो पर आ जाएंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हमारे साथ काम करना शुरू नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिए हुए हैं, उन्हें क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लें और आज से ही अपना काम रेगुलर करना शुरू कर दें, जिससे आपकी भी जो पैसे की परेशानी है वो दूर हो सके। इसी के साथ मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।